खबर हरिद्वार से है, जहां खानपुर के भंगेड़ी गांव में एक बार फिर से सेना के जवान और ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं। दरअसल यह मामला खनछुरपुर होकर गुजरने वाले भंगेड़ी के रास्ते को लेकर गरमाया हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि जब आर्मी के अधिकारियों ने भंगेड़ी के जाने वाले रास्ते को बनने से रोकने का प्रयास किया तो गांव के लोग महिलाओं सहित धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सिविल लाइन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को सामान्य बनाने में जुट गई। वही धरने पर ग्रामीणों ने बताया कि आर्मी के अधिकारी हमारे आने जाने के सारे रास्ते बंद कर देना चाहते थे, अगर ऐसा ही किया गया तो यह लोग कहां से रुड़की तक सफर करेंगे। खानपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। देखिए, मेरा ये कहना है कि सेना कहती है ये भूमि उनकी है, राजस्व के दस्तावेज कहते हैं कि ये चकबंदी के अनुसार ये भूमि राजस्व के पास है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि हमारी बिना जानकारी के, हमें पार्टी बनाए बिना इस चकबंदी में इस जमीन, इस रास्ते को हटा दिया गया। मेरा कहना है कि संवैधानिक तौर पर अगर हम बात करें तो राजस्व की प्रक्रिया है। अगर आप पार्टी नहीं थे उस केस में तो आप अपीलांट अथॉरिटी में जाकर अपील करिए, लेकिन आप सेना खड़ी करके यहाँ पे डराएं धमकाएं ये अच्छी बात नहीं। हम सेना का सम्मान करते हैं, हमारे लिए सेना दिन रात सरहदों पर हमारे और हमारे परिवार की रक्षा के लिए वो लोग बॉर्डर्स पर अपना जीवन दांव पर लगाकर हर समय हमारी रक्षा करते हैं। हमारे लिए सेना सर्वोपरि है, लेकिन सेना को भी मानवीय आधार जरूर देखने चाहिए। 30,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। पिछले 50 सालों में किसी एक व्यक्ति ने इस रास्ते पर सेना के साथ कोई बदतमीजी की हो, कोई दुर्व्यवहार किया हो, एक पत्थर अंदर फेंका हो, कोई घटना आज तक एक भी नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो आप किस डर से आप ऐसा करना चाह रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। और हमारा जो विवाद चल रहा है वो रास्ते को लेकर है और वो आर्मी के साथ चल रहा है। देखिए, कई 200 साल पुराना रास्ता है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, उससे पहले आर्मी ने हमारा दूसरा रास्ता भी बंद कर रखा है जिसमें हम कोर्ट केस जीत चुके हैं, लेकिन आर्मी की ये तानाशाही है और ये तानाशाही इस देश के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि हर रास्ते हर व्यक्ति को चाहिए। हमारे रास्ते हैं, हमारे पास मुख्य रास्ते दो ही थे जो आर्मी ने फिलहाल बंद कर दिए। इस रास्ते की हालत देखिए, आए दिन बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं, महिलाओं के मिसकैरेजेस रोड पे हो रहे हैं, तो बस से बदतर हालात हैं। रास्ता मिलिट्री वालों ने बंद कर दिया था, इसलिए हमने धरना दे रखा है। हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, महिला भी जाते हैं, सब जाते हैं, नौकरी वाले भी जाते हैं, तो इसलिए हमने धरना दे रखा है। हमें रास्ता यही चाहिए, हमारा परंपरा से रास्ता खुला हुआ था। ये तो हमेशा की बात है, एक साल बाद, दो साल बाद, कभी ये वाला रास्ता बंद, कभी वो वाला रास्ता बंद, अब इस रास्ते की बारी आ गई है। मेन रास्ता यही है सबका, यहाँ पे बच्चे भी, बूढ़े भी, औरतें हद से ज्यादा परेशान है इस रास्ते की वजह से, क्योंकि यहाँ पर गर्भवती महिला जाती है, कितने केस खराब हो गए यहाँ पे, क्योंकि रास्ता ऐसा ये बनने नहीं देते। आप देख रहे हैं रोड़े पड़े हुए हैं, कितने काम रुक जाता है, जब भी ये चाहते हैं जब भी बंद कर देते हैं।